सपा के परसपाली गांव के माध्यमिक स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में बाहर से आए श्रमिकों को ठहराया गया है, जहां पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन चोरिया गांव के चार युवकों ने कोटवार की मदद से क्वारंटीन सेंटरों में ठहरे श्रमिक तक शराब पहुंचा दी। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली, तब आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया और कोटवार समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही ने जिले के क्वारंटीन सेंटर की सुरक्षा की पोल खोल के रख दी है। तो रवि, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे? जी शिवम, आपको बताना चाहूंगा ये बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। होम क्वारंटीन में जो बाहर शायद श्रमिक उनको रखा गया है, वहाँ जो है गुपचुप तरीके से वहाँ के जो श्रमिक है उनके परिजन अंदर घुसने की कोशिश किए। कोटवार की मदद इसमें ली गई है बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा व्यवस्था में कमी देखने को मिली है। कहीं भी अगर छोटी सी भी चीक होती है तो आज जो जांजगीर जिला ग्रीन जोन में है, इसमें इस प्रकार की जो खतरा पड़ने में देर नहीं लगेगी। इसमें पुलिस विभाग और जिला प्रशासन को जो है सख्ती से जो है और पूरी सुरक्षा के साथ में वहां पर जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जी शिवम। पारुल माथुर एसपी हमारे साथ फोन लाइन जुड़ गई हैं। पारुल जी, बहुत स्वागत है सुराज एक्सप्रेस पर आपका। कोटवार की मदद से श्रमिकों तक शराब पहुंचाई जा रही है आइसोलेशन वार्ड में, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है यहाँ पर जांजगीर में? ये सभी गांव में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं क्योंकि जी हमारे यहाँ काफी बड़ी संख्या में लेबरर्स के आने की संभावना है। तो हम्म, जैसे ये शिकायत पत्र चली, कोटवार के ऊपर हमने FIR दर्ज कर दी है धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट के अंडर में। और वहाँ पे वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, सरपंच सचिव की ड्यूटी भी है वहाँ पे चेकिंग करने के लिए। मगर ये लापरवाही डेफिनेटली हुई है और इसमें हम लोगों ने पूरी जो सेक्शन है उसको लगा के FIR करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया। पारुल जी, इस तरह का ये पहला मामला है कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं यहाँ पे? नहीं, अभी पहले ही मामला ये शिकायत आई है। हमारे यहाँ करीब 5,000 लेबर ऑलरेडी वापस आ चुका है हमारे जिले में जी और करीब 50,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और हर सेंटर पे पुलिस बल दिया जाना या पुलिस गार्ड लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए गांव वालों को ही वॉलंटियर्स बना के और कोटवारों की ही ड्यूटी लगाई गई है। और जब ये जानकारी प्राप्त हुई है तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पारुल जी, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी से जिस तरह से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कोटवार के ऊपर कार्रवाई की गई है। रवि जी, जी शिवम, कोटवार और जो चार उसके परिजन थे युवक, उनके ऊपर जो है धारा 188 और जो अधिनियम है उनके तहत कार्रवाई तो की गई है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से ये कल जो मामला सामने आया है, इसमें और भी कई जगहों पर इस प्रकार की जो है लापरवाही हो सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन को जो है कड़े जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे। नहीं तो कहीं भी चूक होती है तो एक बड़ी अनहोनी जिले में हो सकती है जो अभी फिलहाल ग्रीन जोन में है। चलिए, शुक्रिया रवि, जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थिति बढ़